subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं आप फिर से लेके आए हैं वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज नई विज्ञप्ति के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड यूके पीएससी ने, यहाँ पर जो आयोग है हमारा, उसने एक विज्ञप्ति निकाली है इसको लोअर पीसीएस की, जिसमें नायब तहसीलदार, करा अधिकारी और ऐसे बहुत से पोस्ट हैं। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको पिछले साल का पेपर भी यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ, उत्तराखंड लोअर पीसीएस का 2016 का प्री का पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सामान्य अध्ययन का। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार है, उसने जो ये विज्ञप्ति निकाली है, तो ये 9 अगस्त को इसकी प्रकाशन की तिथि है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो आपको दे रहा है, ये दे रहा है 29 अगस्त 2021। ठीक है, और आवेदन शुल्क जमा करने की जो टाइम दे रहा है, ये भी 29 अगस्त 2021 को रात्रि 11:59 तक, यानी कि 12 बजे तक का लास्ट हम मानते हैं उसे, उसके बाद ये बंद हो जाएगा अपने आप। अब देखें, यहाँ पर मैं आपको निर्देश बता दूं। अभी हाल ही में यूके एसएससी ने एक दावा किया था कि, मतलब बताया था ना कि आपको 31 तारीख तक ईडब्ल्यू समाप्त हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आप यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर दिया है कि जो ये सबसे पहला वाला कॉलम है, इसका आरक्षण वालों के लिए, ओबीसी है, एसटी एससी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, ये कह रहा है कि आपका आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित कर लेना चाहिए। यानी कि अंतिम तिथि, यानी कि 29 अगस्त से पहले पहले आप बना सकते हो, तो अपना आरक्षण ईडब्ल्यू से या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वो आप बना सकते हो 29 अगस्त तक। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित कर लेना चाहिए, करना चाहिए। यानी कि अंतिम तिथि तक का आपके पास, यानी कि डेट जाने के, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है, पूरे के पूरे आप उनको बना लें। भले ही आपके पास नहीं है तो आज ही अप्लाई करिए, तो आने वाले अगर आपको 29 से पहले पहले मिल जाएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि ये जो दे रखा है, उसके बाद बता रखा है कि फिर यहाँ पर लिखा है कि विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ, अन्य घोषित अन्य अर्हताएँ अवश्य धारित कर लेनी चाहिए। साफ साफ लिखा है कि 29 अगस्त 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ, यानी कि अगर किसी का रिजल्ट रुका है, कोई डॉक्यूमेंट उसका आने वाला है ना, तो ये मत सोचे कि फॉर्म निकल चुका है अब नहीं हो सकता। तो 29 अगस्त तक का लास्ट बता रहा है, शैक्षिक अर्हताएँ तक कह रहा है। अगर किसी का ग्रेजुएशन का रिजल्ट है और वो आ जाता है 29 से पहले पहले तो भी भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका सब कुछ दिया हुआ है, साफ साफ लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। और इसके अलावा मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप क्लिक करना है आपको, वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो शैक्षिक पत्र अर्हता क्वालिफिकेशन डिटेल का विवरण यहाँ पर लिखा है, सॉरी। अतः अभ्यर्थी द्वारा सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र शैक्षिक अर्हता क्वालिफिकेशन का विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन कॉलम में संबंधित सब बता रखा है कि होने की तिथि आपको अंकन करना हो, देखा अंकन हो। ठीक है, मतलब ऐसे अंक पत्र आप निर्गत होने की तिथि, मतलब आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट होंगे उसमें निर्गत इशू करने की जो डेट है वो होनी चाहिए। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें इशूइंग डेट नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, ये बता रहा है। ठीक है, तो ये एक साफ साफ देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूरे विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को भली भांति पढ़ लें। ठीक है, तो ये आपके हैं, देखिए तो टोटल ये आपके दे रखे हैं इसने, ठीक है, टोटल आपको दिया है। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और, देखो कई बार हमको वह होता है कि यार चलो ऑनलाइन भर दिया, तो ये कह रहा है कि आवेदन पत्र जो है, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट अथवा प्रति किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा या करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको जो ऑनलाइन प्रवेश, ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर ये सब आपका वेबसाइट में अवेलेबल है, बता रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन पत्र, ठीक है, ऑनलाइन का अंतिम तिथि से पूर्व तक का आवेदन त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर सकता है अगर किसी ने गलत भर दिया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमसे गलत हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि डेट ऑफ बर्थ से गलत भर देते हैं, कभी कोई लोग साइबर कैफे से भरवाते हैं, कभी नाम में गड़बड़ हो जाती है। ऐसे कंडीशन में अगर आपका पत्र या आवेदन पत्र गलत हो गया तो आपको मौका देता है कि रद्द कर सकते हैं। आवेदन तिथि समय पूर्व तक की बात कर रहा है, 29 अगस्त से पहले पहले आपको पता लग जाता है कि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा दिया, इसकी डेट चलेगी वो नहीं लगानी थी। तो आवेदन पत्र अगर रद्द करना चाहते हो रद्द कर सकते हैं, इस दशा में जो पहले वाला पैसा है वो तो वापस नहीं आएगा, नए पैसे के साथ आपको नए शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरना होगा। तो ये बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग गलत भर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में आपको रखना है। अब बात करते हैं उक्त रिक्तियों के बारे में, जो रिक्तियाँ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
तो रिक्तियां हैं, आरक्षण वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। सामान्य है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, आरक्षित ये OPV वर्ग है, ये है आपका जो पिछड़ा वर्ग होता है आपका, ठीक है। आरक्षित जो OBC होता है उसका है। तीसरा है आरक्षित रूप से कमजोर, EWS हो गया, ठीक है। तो 36 ये आपका होता है यहाँ पर, कुल पद जो है 35 हैं, बाकी सारे बांट के इसने आ गए, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ कहाँ आई है, मैं आपको बता देता हूँ एक बात। तो आपका राजस्व विभाग में आई है नायब तहसीलदार की, ठीक है। तो लोअर PCS जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। गृह विभाग या उप कारापाल, कारापाल मतलब जेलर की आई है यहाँ पर, डिप्टी जेलर की। इसके बाद आपका फूड इंस्पेक्टर की आई है यहाँ पर, सप्लाई इंस्पेक्टर जो होता है, ठीक है, पूर्ति निरीक्षक होता है खाद्य विभाग में। इसके 28 हैं, ठीक है, यहाँ पर इसके 28 पोस्ट हैं। गृह विभाग की 27 पोस्ट हैं टोटल। राजस्व विभाग जो है नायब तहसीलदार की 35 है, और जो यहाँ पर उप करापाल है डिप्टी जेलर 27। इसके अलावा आपका पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर आपकी 28, ठीक है। टोटल टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आप मैंने ऊपर बता दिया है, ये आपके उस हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपका SC ST OBC और जन आपका EWS, ये हो गया। ये आप देख लीजिएगा कितनी कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया है आपके पास, वैसे पहुँच गया होगा, नहीं पहुँचा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका विपणन निरीक्षक भी आया है एक, आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इसके आपकी 50 पोस्टें हैं। श्रम विभाग है आपका, लेबर डिपार्टमेंट 9 पोस्टें हैं। आबकारी विभाग में आपका आबकारी निरीक्षक है, 10 पोस्टें हैं इसकी हैं, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर होता है। पंचायती राज विभाग है आपका, टैक्स इंस्पेक्टर 2 हैं, और गन्ना विकास एंड चीनी वाले में आपका 2 हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और इनकी शैक्षिक अर्हता बताऊंगा। गन्ना विकास, गन्ना विकास तो ये 23 यहाँ है, 4 यहाँ, ठीक है। तो खंडा अधिकारी है एक आपका इंस्पेक्टर, एक आपका केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, और आपका सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दिए गए हैं। अब बात करते हैं नायब तहसीलदार की। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है, कुल पद है 35, पद का स्वरूप दे रखा है आपको, वेतनमान दे रखा है, शैक्षिक अर्हताएँ दे रखी है, किसी भी भारतीय विधि द्वारा स्थापित स्नातक उपाधि होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता वो होती है जब कभी आपका जिसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, अगर किसी बार ये चीज़ें हैं तो उसको पहला नंबर उसका आएगा। अधिमान्य अर्हता मतलब अगर आपके पास ये भी हैं तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा अगर आपके पास हैं ये कंपल, याद रखना कई बार लोग कन्फ्यूजन, अधिमान्य अर्हता कंपलसरी नहीं होती है, याद रखना। अधिमान्य अर्हता का मतलब होता है कि अगर आपके पास ये हैं तो आपको वेटेज दिया जाएगा, यानी कि आपको उस समय जब आपका सेम नंबर हो गया किसी का या सेम कुछ हो गया तो आपका नंबर पहले आएगा, क्योंकि आपके पास ये 2 डिग्रियाँ हैं। ये कंपलसरी नहीं होती है, अधिमान्य मतलब होती है कि एक्स्ट्रा हम उनको बेनिफिट देंगे जिनके पास ये 2 एक्स्ट्रा होंगी। चलिए आगे देखते हैं। उपकरापाल का हो गया है आपका, मैंने बता दिए हैं यहाँ पर भी, ठीक है। शैक्षिक अर्हताएं इसकी भी वही है, स्नातक है आपका, विधि स्नातक सरकार द्वारा सुधार समकक्ष है, हिंदी में कार्यकारी का ज्ञान होना चाहिए, ये 2। देखो शैक्षिक अर्हताएं 2 दे देखिए, हिंदी देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने की उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, ये है। अधिमान्य अर्हता इसकी भी वही है, ठीक है। इसके बाद आपका अन्य अनिवार्य अर्हता या शारीरिक दक्षता यहाँ पर दे रखी है। अब देखो ये जो पोस्ट है आपका उप करापाल यानी कि डिप्टी जेलर की, इसमें थोड़ा फिजिकल है। देखो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति अनुसूचित जातियों के ऊंचाई में जो छूट होगी, पर्वतीय क्षेत्रों को, हिल सर्टिफिकेट वालों को उनको छूट होगी, बाकी 165 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई, ठीक है। तो 160 सेंटीमीटर जो होगी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 160, और नॉर्मल के लिए 165 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पिछड़ी जाति ये आपका दे रखा है सारे का सारा। इसके अलावा दे रखा है कि पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य जो आपका यहाँ पर दिया पिछड़ी जाति था तथा अनुसूचित जाति अन्य अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप छाती बिना फुलाए 78, और इसके अलावा तथा फुलाए पर 83 होती है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, सिर्फ अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। ये इसके लिए डिप्टी जेलर के लिए। अब हम बात करते हैं आगे महिलाओं के लिए क्या दे रखा है इसमें डिप्टी जेलर में। यहाँ पर सामान्य पिछड़ी जाति के लिए आपकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, और आपका अनुसूचित जाति के लिए ऊंचाई 147 महिलाओं के लिए, और सभी के लिए जो वजन होगा वो 45 किलोग्राम होगा महिलाओं में। इसके लिए आपका अगला है पूर्ति निरीक्षक। पूर्ति निरीक्षक में आपका देख लो यहाँ भी स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मांगा गया है, और ये आपके अधिमान्य अर्हता हैं, जैसे आपका सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट किसी के पास है, या सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य है, ठीक है। तो ये आपका विपणन निरीक्षक हो गया, यहाँ पर 50 पद इसके भी दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी स्नातक उपाधि की बात करता है, और देवनागरी लिपि में उसको हिंदी में लिखने का ज्ञान हो। श्रम प्रवर्तन अधिकारी में भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी आपका स्नातक होना चाहिए और उसके समकक्ष प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। आबकारी निरीक्षक में भी आपका स्नातक होना चाहिए, 10 पद हैं, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। इसके अलावा जो आपका सॉरी आबकारी निरीक्षक है उसमें भी आपकी फिजिकल के कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए 167 हाइट होनी चाहिए,
अनुसूचित जाति के लिए इतना, पर्वतीय जाति के लिए इतना, ठीक है। छाती में सीने की माप वगैरह ये आपका दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख लीजिए किस किस के लिए साफ साफ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप पॉज करके आराम से पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आगे भागने की। मैं तो इसलिए आगे भाग रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं आगे भाग रहा हूँ। आप पॉज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं नहीं कर सकता। आगे है यहाँ पर आपका कर अधिकारी है। कर अधिकारी में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय से डिग्री या राजस्व होना चाहिए, दो पद है यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपका दे रखा है। ज्येष्ठ गन्ना अधिकारी और अधिमान्य अर्हता है आपका यहाँ पर, थोड़ा सा ज्येष्ठ गन्ना अधिकारी जो गन्ना निरीक्षक जो है इसको ध्यान रखना, क्योंकि गन्ना कृषि से संबंधित, तो कृषि में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि जो हमारी जो मास्टर डिग्री होती है वो आपको मांगा है किसमें, एग्रीकल्चर में, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये क्या है आपका, ये है आपका ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ, ठीक है, हायर आपका ये है। अधिमानी अर्हता इसकी ये हो गई, उसका गन्ना विकास, इसमें भी आपका कृषि से स्नातक मांग रखी है, गन्ने वाले में सब में आपका स्नातक होगा। खंड शिक्षा खंड सारी अधिकारी जो होता है इसमें आपका स्नातक की डिग्री मांग रखी है, देवरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आयु न्यूनतम 21 वर्ष से 42 वर्ष तक होनी चाहिए, ये होता है इसका, 21 से 42 वर्ष तक का आयु होनी चाहिए। बाकी जो छूट वूट है वो आपको पता ही है कि किस किस में कितनी छूट दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि ये जो दे रखा है यहाँ पर दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह गौ के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, यानी कि 1 साल की छूट इसमें दी गई है बता रहा है वो, क्योंकि पैंडेमिक एक्ट हुआ था 2020-21 में, आपको पता है बढ़ा दी गई थी 1 साल, गवर्नमेंट का था, तो यहाँ पर बढ़ाई हुई है, 1 साल की छूट आपको दी गई है। आप इस वाले कॉलम को ध्यान से पॉज करके पढ़िए, ये वाले कॉलम को, ठीक है, जो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके बाद आपका वांछनीय हो गया, अनिवार्य हो गया, ठीक है। तो ये शैक्षिक अर्हताएँ हो गई आपको, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, ठीक है, अधिकतम आयु सीमा छूट ये आपका दे रखा है इसने यहाँ पर भी, आयु सीमा छूट कितनी होती है, नियमावली पर समय समय पर शासनादेश आदेश द्वारा प्रदत्त उच्च आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। इसके अलावा आरक्षण है ये मैंने आपको बता दिया है, परिशिष्ट 4 है, चरित्र आपको पता ही है, वैवाहिक स्थिति होनी चाहिए, 1 से अधिक औरतें जीवित नहीं होनी चाहिए, ये आपका ये 1 से अधिक पत्नियां जीवित ना हो, ये इनका अपना चलता है। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर विकलांग आरक्षण है, ये हम छोड़ देते हैं। आगे ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया बता रखा है आपको, ऑनलाइन कैसे करना है, OTR से मेरे ख्याल से होगा ये, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्लाई करिए, फिर रजिस्ट्रेशन करिए, फिर कंटिन्यू करिए, फिर वही OTR जैसा है कंफर्म फाइल करके लॉगिन पासवर्ड बना के बनाना है आपको, लॉगिन पासवर्ड बनाना है, ये आपको बता रखा है, ठीक है, ये आप कर लीजिए आराम से। आपको भरते भरते एक्सपीरियंस हो गया, जो नए हैं वो थोड़ा सा अगर इनको दिक्कत हो रही हो पूछ सकते हैं, या जिनको समझ में ना आए वो अपने आसपास के साइबर कैफे में भर सकते हैं, ठीक है। अपने मन से गलत मत भरना, क्योंकि ये एक ही बार भरा जाएगा, ठीक है, फिर वो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर फीस की मैं आप बात करता हूँ, देखो अनारक्षित है ये आपका 150 है, और 26 रुपये इसमें टैक्स होगा तो 176 रुपये होगा। अच्छा, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, नाम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है लेकिन उनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि 150 रुपये पैसे इसमें भी कम नहीं कर रखे हैं, ठीक है। नाम आर्थिक रूप से कमज़ोर है भले उसका, लेकिन फीस यहाँ पर कम नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी कम नहीं है, और सिर्फ कम है इन दोनों के लिए। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 60 है, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका शुल्क है, इससे ज़्यादा नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। अगला है आपका, आगे हम देखें लिखित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, यहाँ पर देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर जो लिखित परीक्षा के लिए जो उपदेश दिए गए हैं, ये आपका संशोधन नियमावली है, बता रहा है कि प्रथम संशोधन नियमावली है, द्वितीय चतुर्थ संशोधन नियमावली आपकी UKPSC में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्विस कमीशन प्रोड्यूसर ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो नियमावली आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ आपको सही से लगाने हैं, प्रतिछाया लिपि लगानी है, ये ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए कह रहा है कि वो भेजनी पड़ती है बाद में, जब मुख्य परीक्षा आपकी होगी तब मैं आपको दोबारा उसकी वीडियो बना के बताऊंगा। इसमें क्या डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो अपने डांग से भेजने पड़ते हैं, जो आप प्री निकाल लेते हो तो, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, साक्षात्कार भी इसमें होता है, हाँ इंटरव्यू होता है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्री जो होंगी, प्री वालों के लिए इतने बना रखे हैं, हरिद्वार आपका, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, गढ़वाल, श्रीनगर, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, खटीमा, इन सब में पेपर होगा प्री का। प्री के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। प्री आपके जिले में जाता होगा, वस्तुनिष्ठ होंगे, ऋणात्मक होगा, 4 विकल्प दिए होंगे, वही अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका कोई प्रश्न हल नहीं किया, ठीक है, ये आपका सही कर रहा है। इसके अलावा ये आपका बता रहा है, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो प्री का, एक चीज़ और बताता हूँ, जो प्री होता है प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। प्री आपका सिर्फ क्वालिफाई होगा, इसमें इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, कहीं भी आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ लिखित के जो पेपर होता है मेन्स और इंटरव्यू हैं उसी के नंबर जुड़ेंगे, और आपके क्या कहते हैं प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं। प्री वाला पेपर सिर्फ क्वालिफाइड होता है, सिर्फ क्वालिफाई, आप चाहे उसमें फर्स्ट आओ लास्ट आओ उससे कोई मतलब नहीं है, मेन मतलब आपका मेन्स में होगा, ठीक है। तो ये सॉरी आपका बता रहा है, ठीक है। तो ये कहानी पूरी इसकी ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये सेंटर है, मैंने आपको बता दिए थे सारे सेंटर हैं इसमें, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, आप अपना अपना देख सकते हैं किस किस का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। इसी को भरिएगा तो ये सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेंटर देख लीजिएगा अभ्यर्थी, ठीक है। तो यहाँ पर घटाए बढ़ा सकते, ठीक है। अब ये देखो प्री का जो दे रखा है इसमें सामान्य बुद्धि का है 150 का होता है, इसमें रीजनिंग भी आती है और मैथ्स रीजनिंग के 50 नंबर का, 100 नंबर की GS आती है। अभी हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्दी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे पूरा पेपर, 100 नंबर वाला जो GS का, उसको डिस्कस करेंगे। पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको पूरा देखना है आपको, कोशिश करना पूरा देखिएगा, जब पूरा देखें तभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, प्राप्त मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे, किसके प्रारंभिक परीक्षा के, साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया था। अगला मुख्य परीक्षा देखें, मुख्य परीक्षा 200, 200, 400 नंबर की होती है, सामान्य अध्ययन का एक होगा और निबंध आलेखन का एक होगा, 3-3 घंटे के होते हैं, 20 और संख्या 5, ठीक है। प्रश्न कितने कितने आएंगे ये पता है, सामान्य अध्ययन में आते हैं। लास्ट टाइम पे उसने बड़ा गजब कर दिया था, लास्ट टाइम पूरा का पूरा पेपर करंट अफेयर से दे दिया, मेन्स का पूरा पेपर करंट अफेयर दे दिया, GS गायब, हिस्ट्री गायब, पॉलिटी गायब, इकोनॉमिक्स गायब, सारे गायब, सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सब उन्हीं का आपका पूरा का पूरा करंट दे दिया, पूरे मोदी की योजना छाप दी पूरी की पूरी, ठीक है। लास्ट टाइम तो उसे बहुत गलत हुआ, जो लोग मतलब GS में लगे हुए थे पता ही नहीं चला कि वहाँ GS पढ़ के गए हम लोग, क्या कहते हैं GS का, और पता ही नहीं चला वहाँ पूरी क्या आ गई, करंट अफेयर ही आ गई, ठीक है। तो ये बड़ा, पिछली बार तो पूरा करंट ही दे दिया था। मेंस का पेपर भी आपको मैं दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, जब मेंस का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार 50 अंकों का होता है इसका, ठीक है। मिनिमम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 नंबर किसी को मिल गए तो मिल गए, उससे कम ही मिलते हैं ज़्यादातर है, ठीक है। अब इस बार पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, सामान्य अध्ययन का सिलेबस आप देख लीजिए यहाँ पर प्री का, अभी फिलहाल प्री का ही देखिए, प्री का है, प्रारंभिक परीक्षा का है। तो ये आपका इसका सिलेबस है, भारत का इतिहास है आपका, ठीक है। ये आएगा पूरा का पूरा, पढ़ना वही है जो आप वीडियो वीडियो के लिए पढ़ रहे हो, भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारत का भूगोल जननांकी हो गया, ठीक है। समसामयिक घटनाएं होगी, उत्तराखंड का इतिहास हो गया, उत्तराखंड संस्कृति होगी, भूगोल हो गया, आर्थिक राजनीतिक हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था ऐतिहासिक होगी, आर्थिक परिस्थिति आर्थिक प्राकृतिक संसाधन होगी, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं, इसके जो इसका जो क्या होता है ना, थोड़ा सा मेंस प्री में आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपकी अभी हम देखेंगे, इसमें साइंस बहुत अच्छी खासी आती है, तो साइंस का देख लेना। तो ये थे इसमें, अगर कुछ पूछना है अगर आप मुझे बता देना। अब सीधे चलते हैं पेपर में, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, पेपर में चलते हैं फटाफट, पेपर को सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा पेपर को, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाद में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए तो सामान्य तरीके का पेपर है, ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको। प्री का पेपर है ये, 150 नंबर का पेपर आएगा, इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी है, GS भी है। GS आप देखिए उत्तराखंड आपको लग रहा है बहुत ही इजी है, बहुत ही लल्लू पेपर है, बट ये थोड़ा सा क्या होता है, इजी टू हार्ड मॉडरेट होता है, बिल्कुल ऐसा पेपर बनाया जाता है, इजी टू हार्ड होता है, एकदम इजी भी नहीं होगा एकदम हार्ड। इसलिए आपको जो तो बड़े बड़े टॉपर्स होते हैं UKSSC के, वो सब गायब हो जाते हैं UKPSC के एग्जाम में, कारण ये रहता है क्योंकि इसका पेपर मॉडरेट टू हार्ड होता है, बहुत डीप नॉलेज वालों के लिए पेपर बनाया जाता है। चले पहला प्रश्न देखो क्या दिया इसमें, उत्तराखंड किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये इसका जो वन क्षेत्र है आपको पता है पौड़ी गढ़वाल का है, सबसे ज़्यादा पौड़ी गढ़वाल का ही अभी वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पेपर डिस्कशन दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला है, ये जो झीलें हैं इनको सम्मिलित करना है, कौन कौन सी झीलें कैसे कैसे सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो 7 ताल क्या होगा, नैनीताल हो गया है, और द्रोणताल जो है वो उधमसिंह नगर उत्तरकाशी में हो गया है, डोडीताल उधमसिंह नगर में है, डोडीताल उत्तरकाशी में है, और बिरही ताल जो है चमोली में, ठीक है। ये इस प्रकार से ये सम्मिलित है, उसका बी आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए अगला है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग किस सहायक नदी का, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। तो रुद्रप्रयाग में जो मिलती है मंदाकिनी मिलती है। हाँ अगर उत्तराखंड की ज्योग्राफी ज्योग्राफी पक्का आएगी इसमें उत्तराखंड, ये मत सोचना UKSSC तो देता ही नहीं है, बहुत कम देता है, लेकिन ये बहुत भर भर के देता है। और ज्योग्राफी की वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उत्तराखंड की ज्योग्राफी है, नदियाँ हैं, नदी तंत्र हैं, झीलें हैं, सबका बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करके बनाया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। किस ठीक है, तो किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है आपका बाह्य हिमालय, ये भी पढ़ा चुका हूँ, सारी वीडियोज़ तो आपको पहले ही बताया है, सब कुछ बताया वीडियो में, जरूर देखिएगा उनको। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो ये हल्की कछारी
मृदा जो होती है इसको यूज किया जाता है। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका स्थान जो है चौथा स्थान है इसका, ठीक है, चौथा स्थान इसका है। अगला है चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से किस कौन सी जनजाति तिब्बती व्यापार करती थी, तो ये भोटिया जनजाति थी, ठीक है, भोटिया जनजाति थी। ये सेट ए जो है वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अगला है जनवरी 2021 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगाटना देने की शपथ ली थी, तो ये आपका बागेश्वर है। तो अभी तक तो आपको आंसर बहुत मजे आ रहे होंगे, बहुत सरल, बहुत ईजी है, मजा आ रहा है, बट धीरे धीरे अभी देखना कैसे डीप क्वेश्चन पूछेगा। अगला है आपका नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित है वो है आपका भागीरथी नदी, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी हल्द्वानी में, 1949 में कर दी गई थी, ठीक है, बहुत पहले ही हो गई थी ये। अगला है उत्तराखंड प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब बनाया गया था, सन 1950 में बना दिया गया था, 11 का ए इसका सही आंसर है। अगला है गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो यह है आपका 1969, ठीक है, ये आंसर इसने दिया हुआ है 1969। अगला है आपका उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं, तो विधानसभा में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति का दो हो गया। अगला है यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना, उस समय आपका चली रहा है अभी भी, ये बच्चों की खोज है जो स्माइल है, ठीक है। अगला है आपका मुद्रा राक्षस जिनका जून में निधन हो गया था, ये करंट, देखो करंट भी बहुत तगड़ी आ जाएगी इसमें, तो हिंदी उपन्यास थे, उपन्यासकार थे, ठीक है। चलिए अगला जो है यहाँ पर हिंदी का हम देखते हैं, वर्ष 2016 में उत्तराखंड की राष्ट्रपति शासन जो लगा था, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था, 356, जो राष्ट्रपति शासन हमारा लगता है 356 अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, 352 हमारा राष्ट्रीय आपात होता है और 360 हमारा वित्तीय आपात होता है, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है ब्रेड डबल रोटी जो होता है प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम क्या होता है, तो ये जो रसायन होता है हानिकारक, इसमें जो डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाता है इसका होता है पोटेशियम ब्रोमेट, ठीक है। अगला है उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह कौन सा है, सबसे पहले प्रश्न इसी में आया था, बाद में फिर सभी लोग ने पूछना शुरू कर दिया था, ये तो कोल इसका सही आंसर है, सबसे पहले इसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला है पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित थी, तो ये चांदपुर गढ़ी थी, आप जानते हो, फिर देवलगढ़ आई, फिर उसके बाद श्रीनगर आई थी। इसके बाद गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो गढ़वाली पत्र के संपादक कौन थे, ये थे आपका विश्वंभर दत्त चंदोला, ठीक है। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक था, या जानते हो चंद्र सिंह गढ़वाली था। निम्नलिखित में से किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ, सन 1950, सॉरी इसका आंसर जो होगा सन 1949 होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किनको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है, तो ये आपने देखा था उस समय, ठीक है, तो ये उस समय के करंट हैं, ठीक है, तो इसका अभी उतना महत्व तो नहीं है आप लोग के लिए, करंट 6 महीने की पूरे साल भर की वैसे पूछता है ये कई अभी, तो पिछली बार तो ऐसा 2018-18 की पूछ दे रहा है, 19 की पूछ दे रहा है, तो क्योंकि 20 तो पैंडेमिक एक्ट रहा, उसमें कुछ ज़्यादा इतनी करंट थी नहीं, तो इसलिए पीछे जा रहा है जानबूझ के, ठीक है। अभी क्या है कि 21 खुला है, 20 तो पूरा बंद ही रहा, आपको पता है कुछ ज़्यादा उसमें एक्टिविटीज़ हुई नहीं थी, तो 21 में अभी काम हुआ है, तो कुछ करंट ज़्यादा करंट फिर 21 की है, और इसके अलावा अगर आप देखा तो 19 और 19 तक का देख लेना उसमें, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में, तो फिर ये आ गया है, तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय था, अभी दो साइट्स और आए हैं, एक तो धोलावीरा है, एक आपका तेलंगाना का कोई मंदिर है उसको करा गया है, धोलावीरा है आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा साइट्स, ठीक है, तो ये शायद दो अभी और हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ लेना, देखो क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के, तो यहाँ से पक्का पूछेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड कौन सा स्थान रहा है, तो इसका सही आंसर जो है 20वां स्थान इसका रहा है, ठीक है। निम्न कथनों पर ए और बी को हमने देखना है कि उत्तराखंड पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही है, लिंगानुपात ज़्यादा है क्योंकि पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में प्लान करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ए और बी सही, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि पुरुष रोजगार की तलाश में बाहर चले आते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पर औरतें बसती हैं, इसलिए यहाँ का लिंगानुपात ज़्यादा मिलता है, ये भी एक कारण है, हो सकता है इसका, ठीक है। राज्यों में पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था, तो ये जो आधार था भाषा था, भाषा के आधार पर बाद में पुनर्गठन कराया था, आपको पता है। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था, टिहरी रियासत की बात कर रहा है ये, तो सुदर्शन शाह इसका सही आंसर है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी, तो ये भी बहुत बार पूछा है, 1973, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की स्थापना जो हुई थी वो किसके समय में हुई थी, 1973 में ही जो हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर उत्तराखंड में आई आई एम कहाँ स्थित है, ठीक है, तो आई आई एम कहाँ है, यहाँ पर काशीपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2011 में इसकी स्थापना
की गई थी। अगला है आपका राज्य सेवा लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, जैसे कि हमारा UKPSC है, तो वो किसको देता है? तो राज्यपाल को देगा, ठीक है। राज्यपाल के अंदर एक बॉडी होती है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 5 साल और 65 वर्ष की आयु होता है, ठीक है। इसमें कोई प्रश्न है आपको गलत लगे, डाउट लगे, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चले अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है एक्चुअल में? तो 243 आपको पता है, भाग 9, 243। अगला है उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्थान किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 50% जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस समय पूछा गया था। तो BC खंडूरी 2008 है इसका आंसर, ठीक है। तो उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण कर दिया गया था, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम को उसमें संशोधित करके। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 सर्वाधिक रही थी? तो आप देख सकते हो 2014-15 पूछ दिया है इसने, 16 का एग्जाम है, 14-15 पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका इसका सही आंसर जो उस समय है वो उत्तराखंड था, ठीक है। अब ठीक है ना, चले उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर अधिकतम 12 हो सकती है मुख्यमंत्री सहित, वैसे 11 मंत्री होंगे। अगर कई बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मुख्यमंत्री सहित लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िए आप, मुख्यमंत्री सहित लिखा है इसने, मुख्यमंत्री के अलावा कहेगा तो 11 आंसर सही होगा, इससे पहले 11 पूछा जा चुका है एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी करता है? तो सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है आपको पता है, बांग्लादेश यहाँ पर सबसे लंबी सीमा बनाता आता है। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर नौकरेक है, जैव आरक्षित जैव मंडल आरक्षित है, ये कहां स्थित है नौकरेक? तो ये आपका मेघालय में है, ठीक है, नौकरेक मेघालय में है। सोलावन का संबंध किससे होता है? अब सोलावन जो है इसका संबंध जो होता है दक्षिणी प्रायद्वीपी पहाड़ियों से, जो दक्षिणी प्रायद्वीपी पहाड़ियां होती हैं उसके पास जो वन होते हैं सोलावन कहते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी बहुत अच्छी खासी आती है इसमें, ठीक है। चलिए आगे है आपका, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो मध्य प्रदेश अभी आ गया है यहाँ पर, मलचखंड की खान है, मलचखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, वहाँ से तांबे की खान के लिए जानी जाती है। अगला डोलवी इस्पात संयंत्र स्थित है, ठीक है, डोलवी, तो डोलवी जो इस्पात संयंत्र अवस्थित है यह है आपका महाराष्ट्र में। अगला है झूम खेती को भी कहते हैं, तो क्या कहेंगे इसको, स्थानांतरित खेती कहते हैं झूम खेती को, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध जो बना हुआ है आपका, ये बना हुआ आपका महानदी में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड, क्योंकि देखो आपको हिमाचल लग रहा होगा, हिमाचल में कहीं भी प्लेन्स नहीं है, जैसे हमारे वहाँ भाबर है ना, तराई भाबर, जैसे कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वैसा वहाँ पर नहीं है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी पहाड़ मैदानी इलाके नहीं है, और इसके अलावा सिक्किम में भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है। अगला है साझा संपत्ति संसाधन भारत के किसके स्वामित्व में आते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो राज्य के अंतर्गत में आते हैं साझा संपत्ति संसाधन। अगला है FL2 नीति का संबंध किससे? बहुत इंपॉर्टेंट उस समय आया था FL2 नीति, तो ये शराब नीति से है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आबकारी का पेपर है, तो आबकारी का भी इसमें आने वाला है, तो इसलिए इसमें ये भी पूछा गया था। अगला है आपका, अगला देखते हैं यहाँ पर प्रश्न, रजिया सुल्तान किस वर्ष से शासक बनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया था उस समय, मतलब पूछा गया था, बहुत ज़्यादा फेमस रहा था क्वेश्चन। तो ये जो है आपका 36 में बनी, 40 में मर गई थी वो, ठीक है, 47 का ए इसका सही आंसर होगा। अगला है मनसबदारी प्रथा को किसने आरंभ किया था? तो मनसबदारी प्रथा जो थी वो आपको किसने की थी, बलबन, मनसब देना शुरू किया था, मनसबदारी प्रथा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ था ये होता आपका सालबाई की संधि, ठीक है, सालबाई की संधि हुई थी। अगला है यहाँ पर किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया था? ठगी का अंत करने वाले थे बेंटिक थे, ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जितने ठगी प्रथा का अंत किया था। अगला है भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा की आरंभ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1855 में डलहौजी के समय इसकी स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। अगला है धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी जी, क्योंकि धन का निष्कासन सिद्धांत उन्होंने दिया था। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? बौद्ध धर्म और संघ। अगला है बेगम मुमताज महल का पूरा नाम क्या था? तो ये था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, इनके खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव भी आया था।
अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है? तो ये आपको पता है 370, जो अब हट चुका है। अगला हो जाएगा इसमें, किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा जाता है? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान भी बोल देते हैं। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो 32 इसका सही आंसर होगा। विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? विंडोज जो हो जाएगा वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाएगा, जैसे लाइनेक्स है, जैसे आपका एंड्रॉयड भी एक विंडोज एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी। अगला है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा इसमें? माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस। अगला है, रोम रोम क्या होता है? ROM रोम होता है, रैंडम जो होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है इसको, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं रोम को। ये नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल मतलब जो नहीं मिटाई जा सकती। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर है, स्कैनर से हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में भेजते हैं। अगला, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था उस समय, ये 17.72.5, 75.5, 72.5, सॉरी। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वेब ब्राउजर है, जिसको अब बंद कर दिया गया है, 2022 में समाप्त हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह एज आ रहा है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का है लेकिन अब उसको बंद कर दिया है। अगला है, भारतीय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 8 अप्रैल सन 2015 को इसको शुरू किया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर जो है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बजट राशि जो इसमें दी गई है ये दी गई है आपकी 8,000 करोड़। तो ये देखिए, आप जो इकोनॉमिक्स होती है हमारी, इकोनॉमिक्स करंट ही ज़्यादा आती है, ध्यान रखना। बहुत से क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स, वो क्वेश्चन LIC GIC की स्थापना, RBI की स्थापना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है, करंट ज़्यादा आती है। बजट 2016-17 में भारत में वित्तीय घाटा कितना अनुमानित था? तो वित्तीय घाटा जो था उस समय ये था 3.5, ठीक है। अभी घाटा भी आप याद कर लेना कितना अभी कौन सा है। अगला है आपका, अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में शामिल किया गया था? तो ये थे आपके कहार और तंवर सिंघारिया। अगला है, निम्नलिखित में ऐसे किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? तो 2000 इसका सही आंसर है 14-15। अगला है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के अंतर्गत प्रीमियम की राशि कितनी है? तो यह हर महीने 1 रुपया, यानी कि 12 रुपया प्रति वर्ष। अगला इसमें से जो हो जाएगा वो है, वह भारतीय राज्य इसने होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये ओडिशा है। यहाँ पर देखिए, इतना पैट क्वेश्चन है, जितना पेपर आप देख लो UKPSC के, एक क्वेश्चन कर्क रेखा से पक्का आता है। अभी हाल ही में पेपर हुआ है, 1 तारीख को, यहाँ पर अपने समीक्षा अधिकारी अकाउंट्स वालों का, उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। अगला, यहाँ पर भारत में वर्ष 2014 में मानव विकास, तो SDI का मान पूछ दिया कि SDI का मान कितना था? तो इसका जो सही आंसर है 73 का, ये हो जाएगा 6.609। अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही के द्वारा, तो ये एक्चुअल में होता है लेजर प्रिंटर जो होता है, बहुत अच्छा और उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो ये हो गया नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैकाफी हो गया, इसके अलावा अवास्ट हो गया, AVG हो गया, ऐसे हम बहुत से यूज करते हैं, ठीक है। तो नॉर्टन भी एक बहुत अच्छी कंपनी है बाहर की। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम जो आया था उसके द्वारा इसको किया गया था सबसे पहले। तुम्हारे लिए जो उपन्यास है ये आपका हिमांशु जोशी का है। 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया था उस समय, तो ये करंट अफेयर है उस समय की, शुभा मुद्गल थी। उत्तराखंड राज्य में किस जनपद की सीमा राज्य की 7 जिलों में लगती है? पौड़ी सर्वाधिक लगती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक जो है मेधा पाटकर। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली। और गूगल एक क्या है? सर्च इंजन। तो चलिए इसका आगे देखते हैं, तो 82, अब 83 में चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 83 वाला जो है ये होगा, रक्त का थक्का जो जमता है उसके लिए होता है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट। लवणी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आपके हेलो फाइट। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? पंतनगर। निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन होता है, ठीक है, तो मायोसिन। अगला, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंगे। RH फैक्टर का नाम आधारित किस रिसस बंदर पर सबसे पहले RH फैक्टर पाया गया था? R का मतलब इसमें रिसस ही है। एक उपग्रह का प्रयोग होता है संचार हेतु, मौसम की भविष्यवाणी हेतु, कृषि वाणिज्य हेतु, इनमें से सभी हेतु, ठीक है।
मार्स गैस होती है मिथेन, मंगल गैस भी कहते हैं। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था सन 2001 में, ठीक है। इसके बाद है आपका डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो आप देख रहे हो साइंस बहुत अच्छी खासी पूछ रहा है, यूके एसएससी नहीं है, यूके एसएससी की साइंस पूछता ही नहीं, पहले तो सिलेबस में ही नहीं है यूके एसएससी की साइंस, यहाँ पर साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा, बाकी सिलेबस सारा वही है। 2016 में थॉमस कप जीतने वाला कौन पहला यूरोपीय देश बना, तो ये जो बना था आपका पहला यूरोपीय देश जो बना था, ये बना था डेनमार्क। अगला है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। चीन का दक्षिणी दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपीन के साथ वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है, यह स्प्रेटली द्वीप समूह अभी भी है, ठीक है। चीन कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है, ठीक है। अगला है यहाँ पर कौन सा देश का पहला कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया है, तो ये केरल था। एडिटर अनप्लग्ड, ठीक है। मीडिया मैग्नेट्स नेता एंड मी, यह है विनोद मेहता की। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समारोह में जो फिल्म सर्वश्रेष्ठ चुनी गई थी वो थी बाहुबली। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया गया था रघुवीर चौधरी को। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग का द्वारा इंसुलिन का हार्मोन स्थापित होता है, तो यह है अग्नाशय। तो दोस्तों यह होती है आज की वीडियो, हमने बात करी थी पर 100 प्रश्नों की, जो टोटल किसके हैं आपके जो हमारा अभी जो लोअर पीसीएस 2016 है उसका ये पेपर था, इसमें डिस्कस किया था। अभी इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी है नीचे को, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो लेंथी हो जाएगी यहाँ पर, तो 1.5 से 2 घंटे की, तो उसको फिर कभी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अब आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से पेपर बना है, कैसा पेपर होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पेपर का भी है, एडवर्टाइजमेंट का भी है, दोनों आप डाउनलोड करके ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हाँ, लास्ट टाइम इसकी जो मेरिट गई थी मैं बता दूँ आपको, वो 89 जनरल गई थी, तो यहाँ पर बता दूँ 89 जनरल गई थी 2016 में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये सबसे जनरल की सबसे हाइस्ट आती है, तो ये कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, हाइस्ट मुझे पता नहीं है। इसके बाद आपको क्या कहते हैं, अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो इसमें 82 के आसपास गई थी। और अगर एस सी एस टी ओ बी सी की बात करूँ तो ओ बी सी भी लगभग लगभग इतनी ही थी, एस सी और एस टी की थोड़ा सा नीचे गई थी, 80 80 के पास, 80 से नीचे गई थी, ठीक है। तो ये आपका लास्ट ईयर कट ऑफ थी। तो आप देख सकते हैं पेपर किस तरह का है, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आराम से देखिए, उस हिसाब से सोचिए कि कितनी इसकी मेरिट आती है। तो 150 में से 89 मेरिट, और बहुत ही अच्छा मतलब पेपर भी बना हो तो 150 में से 189 मेरिट आती है, अब लगा लो इतने कम मेरिट आती है। यूके एसएससी जिस दिन इसको करा देगा उस दिन आपको 150 में से 140 नंबर आने आपको अनिवार्य हो जाएंगे, तो जिस दिन यूके एसएससी ने करा दिया, भगवान जाने इनके पेपर देने वाले कहाँ से और कौन होते हैं जो बाद में यहाँ टॉप नहीं कर पाते। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी आपके लिए फिर नई वीडियो लाने वाला हूँ यहाँ पर मैं, जो परीक्षा वाली रिविजन वाली, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।